वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। मैं मिसेस मिताली गौड़। और आज बच्चों, आज का ये वीडियो जो है क्लासेस नाइन्थ के लिए है। इसमें गद्य में जो आपका पहला चैप्टर है प्रताप नारायण मिश्र की बात, उस चैप्टर में जो आपके इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स हैं उनकी व्याख्या मैं आपको समझाऊंगी। तो बच्चों, इसमें सबसे पहला जो पैराग्राफ है जो आपके चैप्टर के शुरुआत में ही दिया हुआ है, उसकी व्याख्या मैं आपको बताऊंगी, जिसमें लेखक ने बात की महत्ता का वर्णन किया है। ये है, ये पैराग्राफ है, यदि हम वैद्य होते तो कफ और पित्त के सहवर्ती बात की व्याख्या करते, तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश की जलवायु का वर्णन करते, किंतु दोनों ही विषयों में हमें एक बात कहने का प्रयोजन नहीं है। तो इसमें जो है लेखक कह रहा है कि जो जैसा होता है वो उसी प्रकार से बात करता है। यदि कोई डॉक्टर है तो वो अपनी डॉक्टर से रिलेटेड चीज़ें ही बात करेगा। यदि कोई भूगोल वेत्ता है या फिर जो ज्योग्राफी को जानता है तो वो मैप्स के बारे में ही बात करेगा। जो जिस प्रकार का जो है होता है, जैसा होता है, वो उसी विषय में बात करता है। जैसे यदि कोई लेखक है तो वो लेखक के बारे में ही बात करेगा। यदि कोई कवि है तो वो काव्य के बारे में ही बात करेगा। जिसकी जैसी प्रवृत्ति होती है, जिसका जैसा जो विषय होता है, वो उसी विषय से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करता है। हम तो केवल उसी बात के ऊपर दो चार बातें लिखते हैं जो हमारे तुम्हारे संभाषण के समय मुख से निकल के परस्पर हृदय भाव को प्रकाशित करती हैं। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हम तो केवल उन्हीं बातों के बारे में बात करते हैं जो हमारे जैसी भावनाएं हमारे मन में होती हैं। जिस प्रकार से हम सोचते हैं उसी प्रकार से हम बात भी करते हैं। उन्हीं भावनाओं को हम बातों के द्वारा मुख से निकालते हैं या बोलते हैं। थैंक यू।